आप भी चाहते हैं इस गजल को तैयार करना, इस गजल को सीखना, ये मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे द्वारा लिखी और कंपोज्ड गजल है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक गजल सिखाने जा रहा हूं, किसी और की नहीं, हमारी अपनी गजल SPW की खुद की गजल। और ये एक सीरीज होने वाली है जिसमें हर एक नए एपिसोड में मैं आपको एक नया गीत, नया गाना सिखाऊंगा जो SPW का खुद का गाना होगा, ओरिजिनल सॉन्ग होगा, और आप सभी लोग उसको सीख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और हमारे ही बनाए हुए कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो कैसे ये गजल आप सीख सकते हैं और इसके बारे में क्या चर्चा है, पूरा वीडियो देखिए, आपको जानने को मिलेगा। मैंने नदिया किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी। तो सबसे पहले जिस कंपटीशन का मैंने जिक्र किया उसके बारे में जरा बता दूं। संगीत धारा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर अभी फिलहाल हर हफ्ते हम लोगों ने कोशिश की है कि एक नया कंपटीशन बनाया जाए जिसमें कि आपको ओरिजिनल सॉन्ग्स यानी कि SPW के, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस के ओरिजिनल सॉन्ग्स जो कि या तो मेरे पिताजी द्वारा लिखे हों, उनकी धुन हो, या मेरी धुन हो, या पिताजी की धुन हो, या और भी हमारे किसी शिष्य की, शागिर्द की, उनकी धुन हो, वो आपको तैयार करके लानी होगी। और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वेरियस प्राइजेज हैं। फिलहाल आपको फ्री म्यूज़िक लर्निंग कोर्सेज मिल रहे हैं, आने वाले समय में और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज उसमें होने वाले हैं। तो खैर, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आपको ये गज़ल सिखाना। पहरेदार हूँ तेरा, जान दे दूँगा मैं, फ़र्ज़ जो है मेरा वो निभा दूंगा मैं। इस सीरीज़ में मैं आपको गज़लें, गीत, भजन, ये सब सिखाने के दौरान कुछ कुछ बारीकियां बताऊंगा जो कि आपको लाइट म्यूज़िक या गज़ल सिंगिंग, भजन सिंगिंग गाने में मदद करेंगी। क्लासिकल हम सब गाते हैं, क्लासिकल की नॉलेज को हम अप्लाई करके जब लाइट म्यूज़िक गाते हैं, सुगम गाते हैं, तब मालूम चलता है कि कितना हमें आता है, कितना नहीं आता है, क्योंकि वो जो सुर, लय, ताल का बैलेंस है वो हमें हमारे गीत में, गज़ल में, भजन में दिखा देना होता है। हमारी जो नॉलेज है वो उसका अक्स जो है वो उसमें दिखाई दे जाता है कि क्या ये सीखा हुआ व्यक्ति है या नहीं, ठीक है। वरना नौसिखिए की तरह अगर हम उस गीत को प्रस्तुत कर दें तो मालूम चलता है हाँ, इसने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, इसे सुर लय ताल का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आइए, इसके हारमोनियम नोटेशंस भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसीलिए आप हारमोनियम की फ्रेम भी देख पाएंगे जिसमें मैं आपको पहली काली से फिलहाल ये मैं आपको गाकर बताऊंगा और सिखाऊंगा कि क्या नोटेशन बनते हैं इसके और कैसे इसे गाना चाहिए, लय ताल का कैसे ख्याल रखते हुए इसे गाना चाहिए। मगर आप इसे किसी भी पिच से अपने अनुसार गा बजा सकते हैं, उसकी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक SPW के अच्छे वाले शिष्य होंगे। क्यों? क्योंकि SPW स्वरांगिनी का जो सिलेबस कहता है उस सिलेबस में आपको 12 पिच से बजाने को मिलता है, 10 थाट आपको सीखने को मिलते हैं जो आपको अन्य कोई सिलेबस में सिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो खैर आइए देखते हैं, ये पहली काली है हमारी इस गज़ल की, जो ये नहीं कहूँगा कि राग, क्योंकि किसी एक राग पर आधारित ये गज़ल नहीं है पर्टिकुलरली, और कोई भी सुगम गायन जो होता है, कोई गीत, गज़ल या भजन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर राग पर पूर्णतः आधारित हो। पूर्णतः हो जाती है तो वो राग में बंदिश बन जाती है ना। लेकिन यहाँ विवादी सुरों का इस्तेमाल होगा, दूसरी रागों की आपको छाया मिलेगी, लेकिन इसका जो मूल थाट है वो खमाज है। सा, अब क्या क्या खमाज में सुर लगते हैं आप सभी जानते हैं, सा रे ग म प ध नी कोमल सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा ने द प म ग रे सा, ध नी सा म ग,
सारे पागर सा। अब आपको जो सीखने को मिलेगा वो ये बारीकी थी कि जैसे ही मैंने सारे माँ माँ बोलूंगा, लेकिन पंचम का सुर लिया था इसीलिए अभी मैंने सारे प प गाया, लेकिन वहाँ प नहीं गाएंगे, वहाँ म गाएंगे। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए डायरेक्ट मैं आपको उसकी कॉम्पोजिशन बताता हूँ। शब्द उसके आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी आ ही रहे हैं। पहरेदार हूँ तेरा, ये पहला आपका मिसरा है जो गज़ल का पहली जो कपलेट होती है जिसमें राइम मिलती है उसे मतला कहते हैं, और एक लाइन को मिसरा कहते हैं। तो मैं वही वाले टर्म्स इस्तेमाल करूँगा, तो आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी गीत कोई भी गाना जब आप तैयार करते हैं तो एक स्पेशल टिप है जो मेरे पिताजी ने हमें दी है कि आप सबसे पहले उसके स्वरों में फिरत कर लीजिए। रेना जो जो मैं गा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ गाने की कोशिश करें। रेना धसा रे मगर, थोड़ा बहुत झिझोटी राग का इसमें आपको टच देखने को मिलेगा। वैसे खमाज स्टार्ट है ग म प द नि ने द प द म ग म रे ग स रे नि ध स, ठीक है। ये कुछ स्वर संगतियां हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, और यही इन स्वर संगतियों में आप थोड़ी फिरत करेंगे तो आपको खुद ब खुद इस गीत के अंग का अंदाजा लग जाएगा, उसका जो राग अंग है। भाई वो जरूरी नहीं है कि पूर्णतः एक राग पर आधारित है, लेकिन किसी राग की छाया होगी। जैसे हम कहते हैं ना यार ये गाना हमें आता है, इस गाने की राग हमें आती है। एक आम इंसान भी ये चीज़ कहता है, भले ही उसको राग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पता नहीं है कि राग भैरवी यमन शिवरंजनी ये नाम मालूम है, खाली इनके अंग नहीं मालूम है, स्वर स्वर संगतियाँ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इस गीत की राग मुझे आती है। यानी उसकी धुन, वो उसकी धुन को राग का नाम देता है। तो उसकी धुन अगर आपको यहाँ बसानी है, और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वेरिएशन भी करने हैं, है ना, और मैं बताऊँगा कुछ वेरिएशंस आपको कि ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जाएगा उसके स्वरूप को अगर आप दिमाग में बिठा लें। तो वो गीत आपके लिए सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। ग म प म ग रे नि स रे ग म ग रे स रे नि ध स ग म नि ध प ध म ग म नि ध प। ये कुछ कुछ स्वर संगतियां हैं, आप नोट कर सकते हैं मैं किस प्रकार से गा रहा हूं, इन्हें ही आपको गाना है। ग म प द नि ध प द म ग म रे ग स रे नि ध स नि सा नि द म प द नि सा नि द म प म ग म रे ग स रे नि ध स रे म ग, ठीक है। तो ये स्वरूप अगर एक बार आपने गा बजा लिया तो वो राग आपके दिमाग में बैठ गई। अब ये पर्टिकुलर कोई राग है नहीं है उसमें हमें फोकस नहीं करना है, किसकी छाया है वो देख लेंगे। थोड़ी बहुत खमाज की, थोड़ी बहुत झिझोटी की इसमें छाया आपको दिखेगी। तो कॉम्पोजिशन शुरू होती है। पहरेदार धनी सा मागरे हूँ तेरा सारे मागरे सा जान दे दूंगा मैं फर्ज जो ग म प है मेरा नि ध प द द प सा 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 प नि ध प रे धनी सा। अब कोई भी गीत सीखते समय आपने चलिए ऊपर ऊपर से उसके नोटेशन समझ लिए, लेकिन उसकी जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है शब्दों की बांट, और शब्दों की बांट के लिए हमें उसको गिनना ज़रूरी है अच्छे से। अगर हमने उसकी ताली खाली गिनी है कि वो कहाँ से उठ रहा है कहाँ से नहीं, जैसा कि ये गीत आप देख सकते हैं 8 मात्रा में है, इसका मुखड़ा जो है हमारा 6ठी मात्रा से उठता है, यानी 1 2 3 4 5 ध नि सा। तो पोएट्री को पहले अच्छे से इसकी समझ लें कि इसकी पोएट्री यानी इसके जो शब्द हैं या इसके जो अक्षर हैं उसमें कितना कहाँ गैप है और कैसे हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ लिया तो
धुन सीखने में भी आसानी हो जाएगी। भाई धुन में क्या है, एक तो सुर हैं, शब्द हैं और उसके बाद उसके गैप्स हैं कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अगर वो आपने समझ लिया तो गीत को अच्छे से आप याद कर सकते हैं, एक्चुअली में समझ के गाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट के। वरना गाना ये मुझे आपको सिखाना होता, मैं इसकी धुन बोल रहा हूँ धनी सा, आप भी धनी सा गाएंगे, मगरे आप भी वो गाएंगे, रिपीटेशन हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगा, आप उस गीत को कॉपी कर रहे होंगे, आप असल में उस गीत को समझ के नहीं गा रहे होंगे। तो असल में समझ के गाने के लिए जो बारीकियां चाहिए वो ये हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां से हमारा गीत उठता है धनी सा मगरे। अब उमूमन ऐसा होता है कि जो गीत गाया जाएगा उसमें लाइन का जो उठान है, यानी वो किस मात्रा से उठ रहा है, वो अक्सर समान होता है हमेशा, यानी या तो वो खाली से उठ रहा है तो वो खाली से ही उठेगा, सम से उठ रहा है तो वो सम से ही उठेगी हर लाइन, है ना। ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अब यहाँ हम जैसे देख सकते हैं हमारी पहली लाइन यहाँ से उठ रही है, दूसरी भी यहीं से उठ रही है। अब पहली लाइन के भी आप पार्ट्स करिए, जब भी जैसा कि मैंने बोला था किसी भी गीत को हारमोनियम पर भी निकालना हो या सीखना भी हो, हमेशा उसे टुकड़ों में सीखिए, फ्रेजेस में सीखिए। जब आप उसे फ्रेजेस में सीखते हैं, छोटी छोटी उसकी स्वर संगतियां बना लेते हैं, तो उसकी बारीकियों पर हम ध्यान दे पाएंगे। वरना ये गीत आप हज़ार बार सुनिए, मेरा गाया हुआ है, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, उसे सुनिए, हज़ार बार सुनिए, ये गीत आप गाने लग जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा ये गीत, है ना, इसकी कंपोजिशन कैसी जाती है। लेकिन इसकी बारीकियां आपको दिखें ये ज़रूरी नहीं है, वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग हमारा तैयार होना चाहिए, दिमाग हमारा। और वो कैसे तैयार होगा, सुर लय ताल की बारीकी, लय लयकारी, ताल खंड, ये सारी चीज़ें, थाट पिच, ये अगर हमको थोड़ा सा भान है, रागदारी क्या होती है, थोड़ा शास्त्र अगर हमें पता है तो हम बारीकियां देख पाएंगे। तो आज मैं वो आपको बारीकियां इस गीत में दिखाने की बात करूंगा, ठीक है। तो वैसे तो यहां से उठता है धनी सा, दो तीन चार पाँच, मगरे, दो तीन चार पाँच, इस तरह से जा रहा है, यानी पहरेदार हूँ तेरा जान दे दूंगा मैं, पहरे एक दो तीन चार पाँच तू तेरा, दो तीन चार जान दे दूंगा मैं। आप देख पा रहे हैं ये जो साइकिल चल रही है, पहले तीन जाता है फिर इतना लंबा आता है, तो इसे शब्दों की बाट कहते हैं कि किस शब्द के बाद कितना पॉज है, इसका ख्याल रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो पहरेदार कैसा है, धनी सा, ठीक है, ये है। उसके बाद मग मगरे, अब ये जो छोटी सी चीज है इसे आप समझिए, ये अक्सर गीतों में भी देखने को मिलेगी, ख्यालों में भी देखने को मिलेगी। ये है हमारा एक म्यूजिकल ऑर्नामेंट जिसे हम कहते हैं स्पर्श। स्पर्श यानी उस स्वर के पास दूसरा एक सुर होगा, उसे छूकर वो सुर लगाना, जैसे मगरे। अब छोटी सी मींड भी है ये, लेकिन मींड का पूर्ण स्वरूप नहीं है ये, स्पर्श ही अगर थोड़ा सा सुरों में दूरी अगर हो जाए तो मींड बन जाती है, जैसे सा प। तो ये सा से इंद्रधनुष की आकृति में आपने देखा मैं प तक आया, तो ये मींड हो गई। लेकिन मारे, अब मारे, मा और रे लगाते समय मैंने गंधार को स्पर्श किया, मारे रे, तो एक्चुअली में ये क्या बनता है, ग्रे। ग्रे यानी ग आधा ही लगा है, लेकिन हम ग्रे नहीं बोलेंगे, मगरे। आप अगर ऐसे अगर इसकी पर्टिकुलर इसको आर्टिकुलेट ही करेंगे तो मगरे, लेकिन वो ग्रे नहीं बनता है, वो मरे। यानी हमने गंधार के सुर पर ही रे को बोल दिया, रे का अक्षर बोल दिया और उसे खींच कर हम रे तक लाए, ठीक है। जब मैं कहता हूँ अलंकारों का रियाज करेंगे तो सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, मैंने बोला है हर सुर को इंडिविजुअल लगाना होता है। कई लोग गलती से कैसे गाते हैं, सा रे द प म ग रे सा, ये हम क्या कर रहे हैं, सा नी, यानी सा को खींच के नी तक लाए, फिर नी पे ही नी बोल के नी को खींच के ध तक लाए, सा नी सा सा, सा की ध्वनि नी तक आ गई और हमने मुंह से जो अक्षर निकल रहा है वो सा का है। तो ये हम गलती से करते हैं, तो ये गलती से ना हो, ये जानबूझ के हो, क्योंकि यहां हो रहा है मा रे ग्रे। तो ये लय में कैसे आएगा उसका भी एक ख्याल है, मा रे सा रे मा
रे मा। अब यहाँ पे कण और खटका इसका प्रयोग होता है। कण यानी उस सुर का वही थोड़ा सा पार्टिकल है तो आप स्पर्श ही है लेकिन थोड़ा झटके से लगेगा, और खटका यानी गले में एक हल्का सा स्ट्रोक है। रे मा 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 रे सा रे मा रे मा, ये प, प को लग के हमने म लगाया। रे मा ग रे सा, वरना इसको अगर सिर्फ खाका गाया जाए, इसका एक स्क्रैच गाया जाए तो धनी सा मा ग रे सा रे मा ग रे सा, ये इसकी एकदम बच्चों वाली कॉम्पोजिशन। पहरेदार हूँ तेरा जान दे दूंगा मैं, ऐसे भी गाया जा सकता है, लेकिन इसकी मैं जो छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा हूँ, बारीकियाँ बता रहा हूँ, वो ही इस गज़ल को, आपकी गायकी को खूबसूरत बनाएंगी। धनी सा मारे सारे मागरे सा, इसमें शब्द फिट कर दीजिए। पहरेदार हूँ तेरा जान दे जान दे दूंगा मैं रे सा सा। अब इसे एक बार गिन के देखें तो धनी सा मा ग रे हूँ तेरा जान दे दूंगा मैं सारे मा ग रे सा। तो ये इसकी स्थाई की यानी मतले की पहली लाइन यानी कि पहला मिसरा था। अब इसके आगे बढ़े तो फर्ज जो है मेरा वो निभा दूंगा मैं, फर्ज जो गम पा निधा पा, ये जो पांच मात्रा का जो आस है वो आप देख सकते हैं। गम पा निधा पा, अब ये हमें यहां सस्टेन करना है। फर्ज जो, लेकिन ये जो कितनी मात्रा तक चला, पांच मात्रा तक, तो वो ताल आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्ज जो है मेरा ऐसे भी गा सकते हो है मेरा, लेकिन है मेरा मेरा मे धपा पा। फर्ज जो है मेरा वो निभा, अब यहां ख्याल रखना है सा 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 पा, ये मीड है यहां पे सा प, सा से सीधा प पे आए हैं और बीच में एक आकृति बनी है धनुषाकृति सा प, यानी सा को खींच के प तक लाए, प के सुर तक लाए और फिर हमने वहां पर प का अक्षर बोला सा प वो निभा, सा 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 प वो निभा दूंगा मैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है गाने में। दू नी धप ग्रे, ये ग्रे ये बहुत जगह आएगा, ये जो स्पर्श है सुरों का ये बहुत जगह आएगा। दूंगा मैं पहरेदार हूँ तेरा जान दे दूंगा मैं, फर्ज जो है मेरा वो निभा दूंगा मैं, अब ये वो निभा दूं, ये भी एक हल्की सी हरकत है जो आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो उसको सिंपल रख सकते हैं। वो निभा दूं, दसा नहीं, हल्की सी मुर्की है। दूं 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 वो निभा दूंगा मैं गा मैं वो निभा दूंगा मैं, पहरेदार हूँ तेरा
जान दे दूंगा। अब ये जान दे यहां तक आ रहा है, जान दे दूंगा मैं, ठीक है ठीक है। इसको एंड करते समय स्थाई को यानी मतले को एंड करते समय एक वेरिएशन आप लगा सकते हैं, वो है जान दे दूंगा मैं। इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हैं और फिर म्यूजिक आएगा कैसे, जान दे सारे पा मगर सा, जान दे जान दे दूंगा मैं, दूंगा मैं उसी तरह से है जैसे पहले था। तो कैसे हो गया, पहरेदार हूं तेरा जान दे दूंगा मैं, फर्ज जो है मेरा वो निभा दूंगा मैं, पहरेदार हूं तेरा जान दे दूंगा मैं, पहरेदार हूं तेरा जान दे दूंगा मैं। अब थोड़े थोड़े वेरिएशन अगर देखें तो, पहरेदार हूं तेरा, ये छोटा सा वेरिएशन है, हूं तेरा मा गे हूं तेरा जान दे, ये भी थोड़ा वेरिएशन है, जान दे दे पममा जान दे दूंगा मैं। अब इसके आगे भाई जो भी वेरिएशन है वो आपके, मैं आपको मूल कॉम्पोजिशन से गा रहा हूँ, पहरेदार हूँ तेरा, ये भी किया जा सकता है, हूँ तेरा मा धपग्रे है ना, जान दे दूंगा मैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा भी कर सकते हैं, फर्ज जो है मेरा, ये भी अगर हल्का सा आप लगा सकते हैं, फर्ज जो है मेरा पदा दा पा मेरा वो निभा दूंगा मैं, पहरेदार है ना, कैसे भी फिर आके आगे आपकी उपज है ठीक है। फिर हम शेर की ओर बढ़ते हैं, एक शेर में आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, बाकी की कॉम्पोजिशन सेम ही है तो आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब क्योंकि इस कॉम्पोजिशन में एक पैटर्न है आप देख सकेंगे, तीन फिर पांच का गैप आता है, तीन फिर पांच का गैप आता है, ये सेम पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए आसमा गामा पा, जैसी फर्ज हूं जो फर्ज है जो मेरा वो जो लाइन थी, अब इसमें फर्ज नहीं बोलना है ये भी ख्याल रखिएगा, फर्ज जो फर र, र, ये र अंदर ही रहना चाहिए, रेफ की जो मात्रा है, फर्ज जो ऐसे नहीं गाएंगे, फर्ज जो ये गाएंगे ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा। तो शेर कैसे, आसमां से मेरी, ये तो सेम ही है, फर्ज जो है मेरा, सेम कॉम्पोजिशन आपकी शेर की स्टार्टिंग की है, फर आसमा से मेरी जान पे है चान है, यहां थोड़ा सा बदल गया, आसमा से मेरी नींद बाबा जान पे है, जान पे है पे नीचे उतरे अपन प पे आए हैं, जान पे है चान है, ध पे टिकाव दे दिया यहां बदल गया, जान पे है चान है, है। ये छोटा सा आप अंग भी दिखा सकते हैं वरना इसको सिंपल लाएंगे तो, जान पे है चान है आसमां है, है, है,
धनि ध पद ध पद प म ग, ये छोटा सा अंग है। है जान पे है चा पे है चा चा, धसा नहीं है, वही जो पहले बताया था। जान पे है चान है चान है धनी धा पद प मग, जान पे है चान चान नीध चान है आसमां। अब इसको लय का भी ख्याल रखना है, वही जो पेयरिंग आसमां से मेरी जान पे है चान है आसमां। बदला भी जा सकता है, जैसे पहरेदार हमारा पहरेदार, इसको बड़ा करना हो तो धनी सा पहरेदार धनी सा, ऐसे भी गाया जा सकता है, वो आपके वेरिएशंस पर है। ठीक है, मैं आपको मूल कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ। तो आसमां से मेरी जान पे है चान है आसमां, कैसे गया? ग म प नी ध प सा 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 प नी ध ध नी ध प ध प म ग आसमां, है ध नी ध प ध प म ग आसमां से मेरी प ध ध प जान पे है चान है। ये इसकी लैंडिंग है, जब इसको यहाँ लैंड करेंगे तभी इसका आगे जो है दूसरी लाइन यानी इसका दूसरा वेरिएशन वो हम गाएंगे। कैसे? आ जान पे है चान है नीधपग नीधपग्रे आसमां से मेरी रे 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 नी नी सनी नी सनी नी नी सारे जान पे है चान है जान पे है चान जान पे है चान चान पमवा चान है जान पे है चान है आसमां से मेरी ऐसे भी गा सकते हैं, लेकिन आसमां से मेरी जान पे है चान है जान पे है चान है, ये इसका सही रूप होगा। आ रा रा गा सा सा, लेकिन रे लगाते हुए गले से भी और हाथ हारमोनियम पर भी। जान पे है चा चा गबमा गबमा, ऐसे भी कर सकते हैं। जान पे है चान है, फिर आगे वाली लाइन जो है वो स्थाई की पहली लाइन जैसे ही है। तू कहे तो अभी चांद ला दूंगा मैं सारे निधर सारे निधर नी नी लगाते समय सा का स्पर्श, ध लगाते समय सा का स्पर्श नी आ सारे निधर नी सा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसकी मूल कॉम्पोजिशन हो गई, वरना इसे आप गाएंगे तो से मेरी जान पे है चान है, ऐसे भी कर सकते हैं। जान पे है चान है जान पे है चान जान पे है चान है, ये भी एक वेरिएशन है। जान पे है सागर गमगा सागर गमगार निध निध मगम प, फिर इसके बाद तो इस स्वरूप में आपकी फिरत है और आपकी उपज है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था ये वीडियो, लेकिन इस गाने का ऐसे ही ब्रेकडाउन अगर मैं हर सॉन्ग का करूं तो आप हर गाने की बारीकी समझ जाएंगे, वरना मैं इसको छोटा छोटा करके सिखाऊं तो ये 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरी कॉम्पोजिशन सिखा सकता हूं, लेकिन उसकी बारीकियों पर जाएं तो ही आपका गला और दिमाग दोनों सुधरेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहें, आने वाले सीरीज़ में और भी चर्चा की जाएगी
इसमें अभी बहुत सी गुंजाइश बाकी है इस गज़ल में, वो मैं ओपन छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपना दिमाग लगाएं और हम लोगों को आकर सुनाएंगे जब SG पर संगीत धरा पे हमारा कंपटीशन जब होगा, तब आप जब सुनाएंगे तब मालूम चलेगा आपने कितना काम किया है इस पर। ठीक है, ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो। आई नो ये वीडियो कम चलेगा क्योंकि बड़ा वीडियो है और इसमें मैं एक ओरिजिनल गज़ल सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये लोगों के लिए नहीं, मैं ये जनता के लिए नहीं, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास करके लिए उनके लिए कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। टाइम पास वाले लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूं मैं, ये असल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो कम लोग देखेंगे लेकिन जो देखेंगे उनका काम हो जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।